की हाल चाल थोड़े सारे दा एक कॉपी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो च। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, बात करेंगे एमबीए की, कहां से, शारदा यूनिवर्सिटी से। तो बहुत बच्चे हैं जो अपनी ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट कर चुके हैं, अब उनको करनी है एमबीए, तो वो बहुत से कॉलेजेस वगैरह ढूंढ रहे हैं। तो उनमें से आज बहुत ही बेस्ट कॉलेज जिसका बहुत ही अच्छा नाम है, काफी अच्छी प्लेसमेंट है, शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सी चीजें एंड तक डिस्कस करेंगे, जैसे कि यहाँ की प्लेसमेंट कैसी है, एवरेज प्लेसमेंट पैकेज क्या है, लोकेशन क्या है, सब कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शारदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या कोई भी कॉलेज रिव्यू एमबीए से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। उसके लिए आपको करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही दबाना पड़ेगा बेल आइकन। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो, जिसमें हम सबसे पहले मैं बता देता हूं कि कौन कौन से जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कि शारदा यूनिवर्सिटी कब एस्टैब्लिश हुई, शारदा यूनिवर्सिटी है कहां पे, लोकेशंस क्या है, क्या क्या रैंकिंग्स है, कहां से अप्रूव्ड है, कैसे आप यहां पे पहुंच सकते हो, कौन कौन से जो प्रोग्राम्स हैं यहां पे ऑफर किए जाते हैं, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी मिलती है, उसके बाद एवरेज प्लेसमेंट पैकेज क्या है, प्लेसमेंट पैकेज क्या है। और उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को कर देंगे लाइक और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। शुरू करते हैं अपनी वीडियो सबसे पहले जिसमें आपको बता देता हूँ कि जो शारदा यूनिवर्सिटी की एस्टैब्लिशमेंट है, 2009 का एस्टैब्लिशमेंट है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, दिल्ली एनसीआर के रीजन में है, ठीक है। अगर टू बी प्रिसाइज बात करें, ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 3 में यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। एनआरएफ की 151 ओवरऑल रैंकिंग है, बीटेक के लिए बात करें तो 179 की रैंकिंग है, डेंटल में टॉप 3 कॉलेजेस नॉर्थ इंडिया में रैंक किया जाता है, मोर देन 200 से भी ज्यादा कोर्सेज है जो शारदा यूनिवर्सिटी में ऑफर किए जाते हैं। हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज की बात करें तो 65 लाख का डोमेस्टिक पैकेज है, 1 करोड़ का इंटरनेशनल पैकेज है, एवरेज पैकेज की बात करें तो 5 लाख का एवरेज पैकेज है, कैंपस साइज की बात करें तो 180 एकड़ का कैंपस साइज है। एडमिशन होती है आपकी यहाँ पे शारदा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, उसके बिना आपकी यहाँ पे एडमिशन नहीं होती है। प्लेसमेंट की बात करें तो 100 प्लेसमेंट है, 100% प्लेसमेंट है एलिजिबल स्टूडेंट्स की। अब एलिजिबल स्टूडेंट्स क्या होते हैं वो आपको आगे चल के बताऊंगा। नैक की A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है, अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर है दिल्ली एनसीआर रीजन के अकॉर्डिंग, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो बिहार के स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए बिहार क्रेडिट कार्ड भी एक्सेप्टेड है। अप्रूवल्स की बात करें तो UGC अप्रूव्ड है, NAC अप्रूव्ड है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से भी अप्रूव्ड है। शारदा यूनिवर्सिटी फेमस है सबसे ज्यादा अपने मेडिकल कोर्सेज के लिए, मेडिकल, डेंटल, फार्मास्यूटिकल, फार्मेसी, ये कोर्सेज के लिए जो शारदा यूनिवर्सिटी है सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि शारदा यूनिवर्सिटी के पास अपना खुद का एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी है जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाती है मेडिकल कोर्सेज के अंदर। तो लेकिन इस वीडियो में हम जो स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं एमबीए के बारे में बात करने वाले हैं कि एमबीए के लिए आपकी जो एडमिशन है वो कैसे होगी, ठीक है। अभी आपने मैंने ये सारा कुछ तो बता दिया, अब यहाँ पे जो बात करेंगे एमबीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या एडमिशन प्रोसेस रहेगा, क्या प्लेसमेंट्स है, ये चार पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले उसके लिए आपको जाना पड़ेगा वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट आप आ जाएंगे तो गूगल के ऊपर सर्च करेंगे शारदा यूनिवर्सिटी तो आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले आपको चले जाना है एडमिशन्स के ऊपर, एडमिशन्स के ऊपर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे प्रोग्राम फिक्स के ऊपर है जो क्लिक कर देना। सबसे पहले किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले हमको क्या देखनी है, वहाँ की फीस स्ट्रक्चर, कि वहाँ पढ़ना मैं अफोर्ड कर भी सकता हूँ या नहीं, तो यहाँ पे हम चले जाएंगे। वैसे तो अगर जाएंगे ना अकेडमिक्स के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा कौन कौन से जो कोर्सेज वगैरह यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में जो हम स्पेसिफिकली बात करने वाले एमबीए की, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट पे सिलेक्ट करते हैं हमारे सामने पोस्ट ग्रेजुएट के मैनेजमेंट के जितने भी कोर्सेज है वो हमारे सामने खुल जाएंगे। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं एमबीए की, तो आप देख सकते हैं यह एमबीए में भी काफी सारी स्पेशलाइजेशन है जो अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे एमबीए मार्केटिंग मैनेजमेंट, एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस, एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स, एमबीए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एमबीए बैंकिंग फाइनेंस, एमबीए हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटलाइजेशन, एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली, ठीक है, तो एमबीए ड्यूअल स्पेशलाइजेशन, एमबीए सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो ये सारी एमबीए जो यहाँ पे अवेलेबल है। बारी बारी सबका सभी कोर्सेज का आपको फीस स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। अगर हम बात करते हैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग मैनेजमेंट का, तो आपकी जो एक साल की फीस है वो कितनी है, 3,50,000। सेकेंड ईयर की जो फीस है वो है 3,60,000। सेमेस्टर वाइज फीस की बात करें तो आपकी एक सेमेस्टर की जो फीस है वो फर्स्ट ईयर में रहने वाली है 1,80,000 रुपीज़, और नेक्स्ट ईयर से हो जाएगी 1,85,000 रुपीज़। तो यहाँ पे बेटर है कि हम ईयरली फीस को कैलकुलेट करें, तो यहाँ पे आप अप्रॉक्सीमेट देखते हैं 7 लाख रुपीज़ में आपकी टोटल पूरी एमबीए जो शारदा यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हो जाएगी। वहाँ पे अगर हम बात करें इंटरनेशनल बिजनेसेस की, तो यहाँ पे भी आपका जो फीस स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम है, तो अप्रॉक्सीमेट 7 लाख रुपीज़ में आपकी हो जाएगी। अगर बिजनेस एनालिटिक्स की बात करें तो उसमें भी जो फीस स्ट्रक्चर सेम है, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें भी फीस स्ट्रक्चर सेम है, बैंकिंग एंड फाइनेंस का भी फीस स्ट्रक्चर सेम है, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटलाइजेशन का भी फीस स्ट्रक्चर सेम है,
एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस का भी फी स्ट्रक्चर है जो सेम है, फर्स्ट ईयर में 350,000, सेकंड ईयर में 360,000 रुपीज़। अगर हम यहाँ पे बात करें ड्यूअल स्पेशलाइजेशन की फीस है जो यहाँ पे अभी गिवन नहीं है, तो वो आपको यूनिवर्सिटी में हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके कंफर्म करनी पड़ेगी कि इस साल के लिए वो फीस क्या रहने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली वो थोड़ी सी ज़्यादा रहने वाली है, अप्रॉक्सीमेट 1 लाख रुपये इसका जो डिफरेंस है वो आ जाएगा, ज़्यादा होगी वो 1 लाख रुपये। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सप्लाई चेन मैनेजमेंट की तो उसका भी फी स्ट्रक्चर सेम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट आपके जो 7 लाख रुपीज़ एकेडमिक फीस लग रही है और 2 लाख रुपये के आसपास अपनी हॉस्टल फीस कंसिडर कर सकते हैं, तो विद इन 10 लाख रुपीज़ आपके 2 साल में लग जाएंगे टोटल MBA शारदा यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे ये तो हो गया फी स्ट्रक्चर। अगर अब आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया की। तो जिस भी कोर्स में आप इन स्पेशलाइजेशन में जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया देखना पड़ेगा कि मैं इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए शारदा यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हूँ भी या नहीं। तो जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेनी है उसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे और उसका जो एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया देख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे देखना है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया, तो मैंने उसके ऊपर क्लिक कर लिया। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो सारा प्रोसेस है वो खुल के आ गया। सबसे पहले यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या आपको सिखाया जाएगा, क्या क्या यहाँ पे आपके बेनिफिट्स होने वाले हैं। उसके बाद आपको अगेन एक बार फिर से आपके जो फीस स्ट्रक्चर है वो बताया जाएगा कि फर्स्ट ईयर में आपकी जो फीस लगने वाली है 350,000 लगेगी, सेकंड ईयर में आपकी फीस लगेगी 360,000 रुपीज़। फिर उसके बाद आपको आपका पूरा यहाँ पे प्रोग्राम स्ट्रक्चर बताया जाएगा कि कितने सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कितनी टर्म्स होंगी। उसके बाद आपका जो पिछले साल का करिकुलम है वो भी आप देख सकते हैं कि पिछले 4-5 साल से क्या पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट आता है आपका एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया की, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया रहने वाला है। तो अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है और आपको अच्छे से इंग्लिश आती है तो शारदा यूनिवर्सिटी में आपकी एडमिशन हो जाएगी। अब बात आती है कि एडमिशन कैसे होगी, तो एडमिशन का प्रोसेस रहने वाला है सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया चेक करना, आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, और उसके बाद आपको जो यहाँ का शारदा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है वो देना पड़ेगा, SUAT का जो टेस्ट है वो देना पड़ेगा आपको। अगर आपको ये वाला जो इस टेस्ट है स्किप करना है तो आपके मैट में 75% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए या आपके कैट या जेड में 60% मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे GD और पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे नॉर्मल प्रोसेस रहने वाला है जो ज़्यादातर बच्चे फॉलो करेंगे जिन्होंने मैट का या सैट जेड का एग्जाम नहीं दिया होगा, उनको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, SU शारदा यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपको SUAT का जो एग्ज़ाम है वो देना है अगर आपके मार्क्स 50% से ज़्यादा है। उसके बाद आपको ये एग्ज़ाम देना है, ये एग्ज़ाम जो आपका रहने वाला है 3 मोड में हो सकता है, घर पर भी हो सकता है, शारदा यूनिवर्सिटी जाके भी हो सकता है, साथ ही साथ जो ऑनलाइन शारदा यूनिवर्सिटी के सेंटर्स है वहां जाके भी हो सकता है। तो जैसे ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद एग्जाम क्लियर होने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट होने के बाद आपका GD होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपकी जो एडमिशन है वो डन हो जाएगी। वो भी आपको पूरा डिटेल में आगे बताता हूं, लेकिन फिलहाल आप यहां पे देख लीजिए कि MBA करने के लिए शारदा यूनिवर्सिटी में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है वो ये होने वाला कि आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन आपने किसी जो अप्रूव्ड अच्छी यूनिवर्सिटी है वहां से की होनी चाहिए तभी आप यहां पे एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे उसके बाद जो कैरियर पाथ आप चूज कर सकते हैं वो भी यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल बन सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं, सेल मैनेजर बन सकते हैं, मार्केटिंग एनालिस्ट बन सकते हैं, उसके बाद रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हैं। तो ये सारे कैरियर जो आपके पास अपॉर्चुनिटी इधर रहने वाली है। उसके बाद जैसे कि आपको प्रोग्राम स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैरियर पाथ, ये सारा कुछ मैंने ऑलरेडी बताई दिया। तो जिस भी कोर्स में आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जा सकते हैं। एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो हम चेक कर लेते हैं दोबारा से, यहाँ पे मैनेज पोस्ट ग्रेजुएट में जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट में जाने के बाद आपको मैनेजमेंट में जाना है। तो मैनेजमेंट में जाएंगे, यहाँ पे आपको मैनेजमेंट थोड़ा सा लोड होने में टाइम लग रहा है, तो उसके यहाँ पे लेकिन तब तक हम देख लेते हैं कि जो आपका एडमिशन है फी स्ट्रक्चर तो हो गया। उसके बाद जो आपके यहाँ पे देखना है कि अगर आप पिछले साल का फी स्ट्रक्चर क्या रहा है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगली चीज आपको बताने वाला हूँ, आपको जो शारदा यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट है उसके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, एडमिशन फ्लो वो भी समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे एडमिशन फ्लो की, तो बहुत ही सिंपल मैंने आपको ऑलरेडी एडमिशन फ्लो बताया है, दोबारा से एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सिंपल सा प्रोसेस है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको रजिस्टर करना है जो कि आपको डायरेक्टली शारदा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। उसके ऊपर यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, शारदा यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म करना है जिससे आपका की जो सिस्टम आईडी है वो जनरेट हो जाएगी, वो आपके ईमेल के ऊपर आपको आ जाएगी। उसके बाद आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया चेक करनी है जो आपको बता देगा। अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो वहीं से आपको एग्जिट करा दिया जाएगा, नहीं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो पे करनी है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है जो आपका रहने वाला है, एप्लीकेशन फॉर्म आपका रहने वाला है SUAT एग्जाम का जो कि शारदा यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, उसमें आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आपको टेस्ट आईडी और पासवर्ड इशू किया जाएगा। शारदा यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट है वो आप स्किप कर सकते हैं अगर आपने यहाँ पे कोई भी इनमें से एग्जाम दे रखा है, जैसे कि JEE मेंस, CLAT, SAT, MAT, NEET, ठीक है, इनमें से कोई भी एग्जाम दे रखा है तो आप
जो शारदा यूनिवर्सिटी का टेस्ट है वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इनमें से किसी में भी एग्जाम नहीं दिया है या आपके मार्क्स वगैरह कम है तो आपको शारदा यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना पड़ेगा। आप आईडी पासवर्ड आपका इशू कर दिया जाएगा आपको, जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म की फीस वगैरह सबमिट कर देंगे उसके बाद आपके पास तीन ऑप्शन रहेगी कि आप शारदा यूनिवर्सिटी का टेस्ट है तीन जगह पे जाके दे सकते हैं, या तो शारदा यूनिवर्सिटी में या इंडिया के किसी भी सेंटर्स में, मतलब जहाँ पे शारदा यूनिवर्सिटी का टाई अप है वहाँ जाके अपने घर के पास, या आप घर पे बैठ के होम बेस्ड टेस्ट दे सकते हैं। इन तीनों मोड में से कहीं भी आप टेस्ट देके उसके बाद आप यहाँ पे जैसे ही पास हो जाएंगे, अगर आप पास नहीं होते तो आपको यहीं से एग्जिट करा दिया जाएगा, पास हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे शारदा यूनिवर्सिटी में देना पड़ेगा, ठीक है, पीआई, और एमबीए के केस में आपको देना पड़ेगा जीडी, जो कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको प्रोविजनल ऑफर लेटर आ जाएगा जिसके बाद आपको अपनी पूरी फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। फीस पेमेंट करते आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करते आपकी वेरिफिकेशन वगैरह डॉक्यूमेंट की हो जाएगी और आपकी जो एडमिशन है वो डन हो जाएगी। तो सिंपल से ये प्रोसेस है यहाँ पे एमबीए में एडमिशन लेने के लिए। अब अगर हम बात करें एसयूटी एग्जाम के बारे में, तो यहाँ पे एसयूटी एग्जाम के बारे में पूरा डिटेल में सब कुछ लिखा गया है कि शारदा यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट है जिसके थ्रू यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है और एडमिशन भी मिलती है। तो यहाँ पे सैंपल पेपर अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर्स कहाँ पे है वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो एसयूटी का एग्जाम है वो घर बैठे बैठे ही दें, ठीक है। टेस्ट का क्या प्रोसेस रहने वाला है यहाँ पे क्लिक करके आप पूरा देख सकते हैं, सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट का पूरा सिंपल सा प्रोसेस यहाँ पे लिखा गया है। एसयूटी एग्जाम के ऊपर, टेस्ट प्रोसेस के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियो बना रखी है, जो कि आप मेरे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन फ्लो भी आपको बता दिया, फी स्ट्रक्चर बता दिया, एडमिशन का प्रोसेस बता दिया। उसके बाद अगली चीज जो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, एडमिशन प्रोसेस हो गया, एडमिशन क्राइटेरिया होगा, स्कॉलरशिप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी जो स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाती है। उसके बाद दोबारा आपको यहाँ पे एडमिशन पे जाना है, तो एडमिशन में जाके आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप्स वगैरह यहाँ पे जो मिल जाएंगी देखने को, स्कॉलरशिप के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो स्कॉलरशिप के ऊपर क्लिक करते आपको स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगी। तो एमबीए के लिए यहाँ पे क्या स्कॉलरशिप मिल जाती है, आप देख सकते हैं कि आपको तीन प्रकार की स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल जाती है। सबसे पहले तो आपको एसयूटी के जो एग्जाम है वो देना कंपलसरी रहेगा, वो आपको देना ही पड़ेगा, जिसके अंदर तीन कैटेगरीज आती है, गोल्ड कैटेगरी, सिल्वर कैटेगरी, ब्रॉन्ज कैटेगरी। उनमें से आप जिस भी कैटेगरी में आएंगे फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी, जैसे यहाँ पे मैट, अगर आपने मैट दिया हुआ है तो इन तीनों में से कोई भी आपको एक चूज करना है। जैसे कि अगर आपने ये वाले दो नहीं दिए हुए तो हम ग्रेजुएशन को लेके बात कर सकते हैं। अगर आपके ग्रेजुएशन में 95% से ज्यादा मार्क्स हैं और आप गोल्ड कैटेगरी में, तो आपको 100% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर आपके ग्रेजुएशन में 95% से ज्यादा मार्क्स है तो आप यहाँ पे किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको जो 100% स्कॉलरशिप है मिल जाती है। लेकिन अगर आपके ग्रेजुएशन में 90 से 94% के बीच में मार्क्स हैं और एसईटी एग्जाम में अगर आपके, जैसे कि सपोज करिए आप गोल्ड कैटेगरी में आ गए तो आपको 60% की स्कॉलरशिप मिलेगी, सिल्वर कैटेगरी में आ गए तो 50% की मिलेगी, ब्रॉन्ज कैटेगरी में आ गए तो 40% की स्कॉलरशिप मिलेगी। सिमिलरली अगर आपके ग्रेजुएशन में 85% से 89 के बीच में मार्क्स है और एसईटी एग्जाम में आप गोल्ड कैटेगरी में, तो आपको मिलेगी 40% की स्कॉलरशिप, सिल्वर कैटेगरी में मिले तो 30% की मिलेगी, ब्रॉन्ज में है तो 20% की। तो ये जो स्कॉलरशिप है एमबीए के लिए अवेलेबल है यहाँ पे आपके, जिसमें इनमें से कोई भी स्कॉलरशिप आप मतलब अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कंपेयर करके आपको यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है एमबीए में मिल जाएगी। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप प्लेसमेंट वाले सेक्शन में आ जाते हो। प्लेसमेंट की बात करें तो एवरेज प्लेसमेंट पैकेज है जो शारदा यूनिवर्सिटी का, वो है यहाँ पे 4 LPA। काफी सारी कंपनीज यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आ जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे एडमिशन वगैरह में जाएंगे तो प्लेसमेंट ओवरव्यू में आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पे जो अच्छे अच्छे बड़े बैंक है जितने भी मास रिक्रूटर है सारे यहाँ पे आ जाते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को लिंक्डइन पे अप्रोच किया जहाँ पे प्लेसमेंट में जाके मैंने डिस्कस वगैरह किया कि आपकी प्लेसमेंट का क्या रिकॉर्ड है। तो 450 यहाँ पे कंपनीज आई हैं जिसमें से 30 फॉर्च्यून प्लस कंपनी से। 1 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज है वो सीएससी वालों बच्चों का है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें हाईएस्ट पैकेज जो एमबीए के लिए, वो आज तक का यहाँ पे गया 20 LPA के आसपास। सारे बड़े बैंक यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आ जाती है, बिग फोर कंपनीज भी आ जाती है, और अगर माइक्रोसॉफ्ट गूगल जैसी कंपनीज की बात करें तो वो कंपनी भी यहाँ पे आ जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो अमेजोन वगैरह। तो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे है यहाँ पे। टेस्टिमोनियल वगैरह आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, जो यहाँ पे प्रीवियस स्टूडेंट है उनके टेस्टिमोनियल वगैरह जाके आप ऑनलाइन रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम प्लेसमेंट का ओवरऑल व्यू बात करें, जो मेरी रिसर्च निकली, जो मैंने लिंक्डइन पे बच्चों से बात वगैरह करके निकाला कि जो एवरेज पैकेज है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 4 LPA का एवरेज पैकेज यहाँ पे मिल जाता है। और अगर हम ओवरऑल कंपनीज की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 100 से 150 कंपनीज है जो सिर्फ एमबीए के लिए यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आ जाती है, जिनमें से मोस्टली जो कंपनीज होती है वो मास रिक्रूटर होती है जिनका पैकेज 4 to 6 lakh के बीच में लाई करता है। 50 कंपनीज टॉप आ जाती है जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा रहता है, जिनकी जो एमबीए में मार्क्स वगैरह अच्छे रहते हैं, वो यहाँ पे बड़े बड़े पैकेज भी इजीली क्रैक कर रहे हैं। तो अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, आप कॉलेज में अच्छे से मेहनत करेंगे तो और ये कॉलेज अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और यहाँ पे आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिल रही है या तो ये कॉलेज शारदा यूनिवर्सिटी दिल्ली एनसीआर के रीजन में काफी अच्छा आपके लिए रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे आसपास सारे जो ऑफिस वगैरह है तो उसके चलते आपको यहाँ पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको ये सारे पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हैं शारदा यूनिवर्सिटी को, इसके अकॉर्डिंग आप दूसरी यूनिवर्सिटीज भी देख सकते हैं। अगर ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट फिट बैठती है बाकी यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में, तो आप ये यूनिवर्सिटी को जरूर चूज कर सकते हैं। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर दिए हो। डाउट्स क्लियर हो गए हो तो नीचे कमेंट्स में थैंक यू जरूर बोल देना। फिर भी कोई डाउट्स बचते हैं नीचे कमेंट्स में अपने डाउट्स पूछ लेना, सभी कमेंट्स का जवाब है आपको जल्दी से जल्दी दिए जाएंगे। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।